इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो आपका 1000 रुपये सेफ होने वाला है, बचने वाला है। चलो 1000 रुपये ना सही, बट 1000 में से आपका 20-30% तो बच ही जाएगा। 1000 में से 20-30% का मतलब आप समझ रहे हो, 200 से 300 रुपये तो आप आसानी से बच जाओगे। आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा, गवर्नमेंट ने निकाला था आधार और पैन कार्ड दोनों आपस में लिंक होना चाहिए। तो उसमें क्या कंडीशन था कि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम के थ्रू अगर आप लोग लिंक कर लेते तो आपका पेमेंट ज्यादा नहीं कटेगा। बट इस टाइम में अगर आप लोग आधार और पैन कार्ड लिंक करवाओगे तो आपका 1000 पूरी तरह से जो है कि कटने वाला है। आप लोगों ने तो सुना होगा। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करते हो, जाते हो किसी भी मतलब ऐसे सेंटर में, तो वहाँ पे आप 1000 रुपये वो तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ में जो कि आधार और पैन कार्ड का मतलब एक तरह से जो मतलब लिंक किया जाता है उसका भी पेमेंट आप लोगों से लिया जाता है 100-200 रुपये एक्स्ट्रा। जैसे कि 1000 आपका तो पेमेंट लगेगा और 200 रुपये आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड का जुड़वाने का भी चार्ज देना पड़ता है आप सभी को, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैसे हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखो, मैं आपको कैसे सेव करूंगा पैसा आपको बताता हूं। सिंपल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग आधार और पैन कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हो घर बैठे हो, मोबाइल फोन से या फिर अपने कंप्यूटर से ही। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तो जिसके लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपके पैसे बचने वाले। और हाँ, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो क्योंकि उन सब का भी तो पैसा मेरे भाई बचना चाहिए। इस वीडियो को जल्दी से शेयर करो, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना है कि आप अपने फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में सर्च करोगे ई फिलिंग। आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ई फिलिंग का जो वेबसाइट है यहाँ पे शो होगा, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद ई वेरीफाई रिटर्न लिंक आधार स्टेटस लिंक आधार, तो ये सभी को आप लोग हाइड करो, ब्लर करो, बस आपको फोकस करना है लिंक आधार पे। यहाँ पे क्लिक करो। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसमें एक नया जो है कि डैशबोर्ड कह सकते हो या फिर नया पेज आप लोग कह सकते हो ओपन होगा। अब यहाँ पे पेज तो ओपन हो गया, यहाँ पे इंटर डिटेल्स वेरिफिकेशन स्टेटस तीन ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे लिंक आधार। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा टोटली 1 जुलाई 2023 के पहले अगर आपने किया होता तो आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ हो जाता, बट अब यहाँ पे आपको पूरा जो है कि फीस आपको 1000 रुपये देना पड़ता है आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए, वो भी नॉन रिटर्नेबल, मतलब कि अगर आप गलती भी करते हो तो उसका पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग लिखा हुआ पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग करते हैं साइड में। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप पैन कार्ड आधार कार्ड, तो अभी नॉर्मली आपका जो भी पैन कार्ड है यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड डाल दो और नीचे आधार कार्ड नंबर डाल दो, ठीक है। तो जो भी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर है डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे डाल दोगे यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे नीचे ऑप्शन ये हाईलाइट होता है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करोगे उसमें क्या होगा कि आपके जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक जो कि ओटीपी आएगा 6 अंक का, तो वहाँ पे आप 6 अंक का ओटीपी डालने के बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। बट ऐसे लिंक नहीं होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे आप आगे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या कहते हैं पेमेंट करने के लिए, 1000 पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना पेन और आधार नंबर आपको डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मेरा तो लिंक है बट यहाँ मैं डालता हूँ यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है सो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया यहाँ पे पेन और आधार नंबर, उसके बाद मैं वॉलेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, इसका मतलब क्या है आपको बताया, मतलब कि मेरा आधार और पैन कार्ड हालांकि लिंक है बट ये वेबसाइट अभी मतलब थोड़ा सा लोड ले रही है, अभी सर्व नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा 5G अच्छे से पकड़ नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वॉलेट पे मैं क्लिक करूँगा तो वैसे तो वेंट रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग मतलब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आगे ऑप्शन आएगा पेमेंट, मतलब ओटीपी मांगेगा, ओटीपी दर्ज करोगे उसके बाद पेमेंट आपसे काटेगा। पेमेंट काटने के बाद क्या होगा कि इसका स्टेटस, जैसे कि यहाँ फर्स्ट इंटर डिटेल है इस पर, ये हमने यहाँ पे बेसिक डिटेल है, उसके बाद वेरिफिकेशन मतलब यहाँ पे ओटीपी सेकंड वाले मांगेगा, ठीक है। उस पर ओटीपी डालोगे उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आएगा पूरा पेमेंट करने के लिए स्टेटस, ठीक है। पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक PDF फाइल दिखेगा, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है और आपका 5 से 6 घंटे में आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। अब आपको लिंक हुआ है कि नहीं आपको ये चेक करना होगा, तो आप बैक आना, थोड़ा सा बैक आने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको नॉर्मल सा इसी वेबसाइट पर आपको वो भी पता कर लेना है, ठीक है। हम बैक आए थे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार स्टेटस पे, आप क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है। जैसे आप डालोगे उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका लिंक है या फिर नहीं है वो आपको शो होगा। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मेरा हालांकि आधार और पैन कार्ड लिंक है तो यहाँ मैंने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद योर पैन इज ऑलरेडी लिंकेड क्यून आधार नंबर, यहाँ पे ये शो हो रहा है, मतलब कि अगर आपका लिंक हो जाएगा तो ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ लेना कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो गया है। तो इसी खुशी में आप लोग का मैंने पैसा बचा दिया मेरे भाई। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनका भी पैसा बच जाए। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ये सब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।